यूपी के संभल में यूट्यूब चैनल के पत्रकार ने शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के कार्यक्रम में पहुंचकर सवाल पूछते हुए हंगामा किया। बीच कार्यक्रम में ही शिक्षा मंत्री गुलाब देवी सवालों को सुनकर भड़क गई और उल्टे पत्रकार पर ही सवाल कर दिए। मंत्री के कार्यक्रम में हंगामे के कुछ देर बाद ही पत्रकार पर मारपीट और गाली गलौज के आरोप में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री ने मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पत्रकार को हिरासत में ले लिया है। दरअसल चंदौसी के बूथ नगर खंडवा गांव में ग्रामीणों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए यूपी सरकार के शिक्षा मंत्री और चंदौसी सीट की विधायक गुलाब देवी पहुंची थीं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान ही यूट्यूब चैनल का पत्रकार शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से बूथ नगर खंडवा और आसपास के दूसरे गाँव के विकास कार्यों को लेकर किए गए वादों पर सवाल करने लगा। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद साइड में खड़ी हुई किसी महिला ने पत्रकार को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हुआ तो शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को खुद बीच में आना पड़ा। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी इस दौरान खुद भी मर्यादा भूल गईं और तू तड़ाक पर उतर आईं। मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि मैं तेरी निगाहें बहुत देर से पहचान रही थी, जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान ली थी। ये सभी बातें तेरी अपनी जगह पर ठीक हैं जो कि तूने कही हैं, लेकिन अभी समय नहीं निकला है। लेकिन तू भूल गया कि ये कुंदनपुर गांव और बुद्ध नगर खंडवा भी मेरा है। यह जो भी बातें मैंने कही हैं वह सभी काम होंगे। इस तरह से मंत्री के कार्यक्रम में हुए हंगामे का पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल ने इसको अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड करते हुए वीडियो को बीजेपी सरकार में इमरजेंसी और तानाशाही करार दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के कार्यक्रम में सवाल खड़ा करके हंगामा करने वाले पत्रकार के खिलाफ चंदौसी कोतवाली इलाके के विकास नगर निवासी बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री शुभम राघव की तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। पत्रकार संजय राणा पर आरोप है कि उसके द्वारा यूपी सरकार के चेक डैम कार्यक्रम के दौरान मंत्री गुलाब देवी की मौजूदगी में कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न किया गया। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री शुभम राघव ने उसको रोकने की कोशिश की तो पत्रकार ने मारपीट और गाली गलौज की है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी। और जो बात रखी है तेरी निगाहें पहचान नहीं थी, ये सारी बात तेरी ठीक है जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है, ये गाँव कुंदनपुर तो भूल गया।